कहानियों के साथ आज माता कलीसिया वास्तु की संत सेनोरिमा का स्मरण करती है। कहा जाता है कि उनका जन्म प्रख्यात सूसा परिवार में सन 924 ईस्वी में हुआ था। उनका लालन पालन मठ में हुआ था। उनकी आंटी जो स्वयं बेनेडिक्टाइन कॉन्वेंट की मठवासिनी थी, जो कि वियरा के संत जॉन मठ में रहती थी, उनकी देख रेख की, अतः उनकी उत्तराधिकारिणी भी बनी। बाद में वह वियरा से ब्रागा के निकट वास्तु पुर्तगाल में चली आई। उनके प्रारंभिक जीवन के विषय में कोई भी लेख अथवा जीवनी उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक विशेष चमत्कार की व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार पुर्तगाल के राजा सांचो प्रथम उनके परम भक्त थे और अपने उत्तराधिकारी पुत्र के स्वास्थ्य हेतु उनकी मध्यस्थता की थी और वह स्वस्थ होकर आगामी राजा भी बने। 12वीं व 13वीं शताब्दी में यह तीर्थ स्थान वास्तु का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बना। वास्तु के गिरजाघर का नामकरण सन 1220 ईस्वी में संत सेनोरिना के नाम पर पड़ा और इस गिरजाघर के निकट जलस्रोत का नाम भी इसी संत पर रखा गया, जिनमें चमत्कारिक शक्तियां विद्यमान है। इनकी कलाकृति में एक पानी का मटका और बगल में एक मेंढक को दर्शाया गया है, जिसका अर्थ यही है कि उनकी मध्यस्थता द्वारा चमत्कार पूर्ण होता है।